हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज दोस्तों हम फटाफट से चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट पे। ना ये हमारे पास चार्ट है, सबसे पहले हम देखते जाएंगे और आप उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं, बस आपको उसी सीक्वेंस में अब ये चैप्टर नंबर 1 फटाफट कंप्लीट करना है दोस्तों। ये हमारे पास रहा बुक हमारे पास, ठीक है, और ये रहा हमारे पास सीक्वेंस। तो सबसे पहले ये पूछता है गवर्नेंस क्या है दोस्तों। तो गवर्नेंस बोलता है, गवर्नेंस का मतलब क्या हो गया, गवर्नेंस मतलब टू स्टीयर करना, स्टीयर करना मतलब डायरेक्शन सुपरविजन एंड कंट्रोल। फिर गवर्नेंस क्या बोलता है, ये सिस्टम है एक जो क्या प्रोवाइड करता है, मींस एंड मैकेनिज्म टू इनेबल व्हाट मल्टीपल स्टेक होल्डर्स Yes or no? To provide what roles and responsibilities, evaluate, select best option, provide directions, yes or no? And monitoring compliance and performance, जो आपको enterprise objective को achieve करने के लिए। Now this governance is divided into 3 parts: corporate governance, enterprise governance and IT governance दोस्तों। Now अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉन्सेप्ट प्लेज अ वाइडर व्हेन सॉक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, और मैंने बताया था जब सॉक्स वहां पे यस नो प्रॉपर तरीके से सॉक्स हमने जब यूनाइटेड स्टेट में अप्लाई किया था तो उसके साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉन्सेप्ट आ गया। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या, एक सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है डायरेक्शन सुपरविजन कंट्रोल टू व्हाट इंटरप्राइजेस फंक्शन टू अचीव व्हाट दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू इंक्रीज व्हाट शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो शेयर होल्डर्स वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट प्रोवाइड्स व्हाट गाइडलाइंस कैसे कंपनी को रन करना है एंड मेनली ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस वाली बात कर रहा है ये। ओके, इट बैलेंसेस द इंटरेस्ट ऑफ मेनी स्टेक होल्डर्स दैट इज व्हाट कॉल्ड शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग लाता है। देन इसके बाद प्रोवाइड्स अ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपनी स्टेक होल्डर्स विद पर्टिकुलर इम्फेसिस ऑन 3 ग्रुप्स दैट इज व्हाट कॉल्ड एज शेयर होल्डर्स, नंबर 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर 3 सीनियर मैनेजमेंट, हमने बात की थी। देन इसके बाद ये बात कर रहा है की फंक्शंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या था दोस्तों, टू डिटरमाइन हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स एंड एनी अदर प्रोडक्शन मैनेजर जो भी हैं वहां पे। देन स्पेसिफाइज द राइट्स ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, अच्छा इनको भी राइट्स प्रोवाइड करता है जो लो लेवल पे काम कर रहे हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स साउंड इंटरनल कंट्रोल प्रैक्टिसेस, है ना, तो सबको मैंने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रोवाइड किया, यस नो, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे एलिमिनेट करना है, ऑडिट कमिटी कैसे रखना है, रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कंप्लायंस कैसे करें, सारी बातें कौन करेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर लेगा। ओके, द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्स एंड पीरियडिकली रिव्यूज द गाइडलाइंस विच मस्ट अलाइन विद द, कैसा होना चाहिए, कंपनीज डायरेक्शन परफॉर्मेंस एंड रेगुलेटरी। तो यहां पे जो भी है हम गाइडलाइंस प्रोवाइड किए उसको रिव्यू करना है एंड सर्व्स द कंपनी इन अ सिमिलर वे टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट यूनाइटेड स्टेट, चूंकि ये स्टैंडर्ड यूनाइटेड स्टेट से आया था, ये उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे किसी गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट को मैनेज किया है, तो सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंपनी को मैनेज करने के लिए। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर इंटरप्राइज गवर्नेंस क्या था दोस्तों, इट इज अ सबसेट ऑफ व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट फोकसेस ऑन व्हाट, यस, इन एब्सेंस ऑफ इंटरप्राइज गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेल्स टू सर्व, तो डेफिनेटली इंटरप्राइज गवर्नेंस सपोर्ट कर रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इन प्रोवाइडिंग व्हाट डायरेक्शन सुपरविजन कंट्रोल टू व्हाट बिजनेस एक्टिविटीज, नॉट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट बिजनेस एक्टिविटीज को फोकस कर रहा है एंड बेसिकली ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, यस नो, जिसे कौन फॉलो कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड जो टॉप लेवल के मैनेजर उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, किस चीज़ों के लिए दोस्तों, मिशन बनाने के लिए, मैंने आपको बताया था, और मिशन क्या था, रिस्क मैनेजमेंट था, इंटरनल कंट्रोल था, आईटी स्ट्रेटजिक प्लानिंग थी, आईटी इन्वेस्टमेंट था, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन था, ऑडिट था, ये आपको मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इट रिक्वायर्स जीईआईटी फ्रेमवर्क, तो अगर आपको इंटरप्राइज गवर्नेंस लाना है तो जीईआईटी चाहिए, यस। देन इसके बाद जीआईटी बेस्ड फ्रेमवर्क जो है, इट प्रोवाइड्स व्हाट 32 आईटी प्रोसेस टू अचीव व्हाट 34 आईटी गोल्स एंड सीआ के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कंप्लायंस, रिलायबिलिटी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, यस नो, ये प्रोएक्टिव होता है, कहने का मतलब कैसे रिस्क को मैनेज करना है हमने पहले ही से ही डिसाइड करके रखा हुआ है, यस नो, हम ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम नहीं करते, हमारे पास सब कुछ स्टैंडर्ड्स है, उसने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, उसको हम अप्लाई करते हैं, इसलिए ये क्या है दोस्तों, प्रोएक्टिव है। अच्छा, आईटी गवर्नेंस क्या प्रोवाइड करता था दोस्तों, आईटी गवर्नेंस प्रोवाइड करता था डायरेक्शन सुपरविजन कंट्रोल ओवर द आईटी एसेट्स एंड आईटी एक्टिविटीज। ओके, क्या ये ईडीएम प्रोवाइड करता था, यस, ये ईडीएम प्रोवाइड, इवेल्युएट, डायरेक्ट मॉनिटर, हमने 3, 4, 5 जगह पे टोटल लगाया था, आपके सिलेबस में 3 जगह पे दिया हुआ है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटिंग व्हाट आईटी स्ट्रेटजी, यस नो, आईटी इन्वेस्टमेंट करना है, आईटी स्टीयरिंग कमिटी, यस नो, अलाइनिंग आईटी स्ट्रेटजी विद द एंटरप्राइज गवर्नेंस, ये हमने पढ़ा था, इट इज सबसेट ऑफ व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरप्राइज गवर्नेंस एंड गवर्नेंस, ये हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ दोस्तों
इंटरप्राइज गवर्नेंस, बस इस कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ा सा हम रहने देंगे। इंटरप्राइज गवर्नेंस हम किसके साथ पढ़ रहे थे, जीईआईटी, बस इसको अभी हम छोड़ देते हैं। देन इसके बाद सीधे आ जाते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस। ये आपको सॉक्स एंड ईआरएम का जस्ट इंट्रोडक्शन, ये जस्ट आप एक बार पढ़ लेंगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है। नाउ डायरेक्टली हम आते हैं दोस्तों बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस में। तो यहाँ पे ये बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस एंड डायमेंशंस ऑफ गवर्नेंस। बेनिफिट्स क्या था अगर आपको याद हो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको डायग्राम बताया था, यस नो, बेनिफिट्स के लिए पहला डायग्राम बताया था कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो लिमिटेशन है वो कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। फिर आप आईटी आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट कर ले, कैसे आपको आईटी यूज करना है, डिफाइंस एंड इनकरेज व्हाट डिजायरेबल बिहेवियर इन द यूज ऑफ आईटी एंड आईटी आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट कैसे करना, ये बता देगा ये। इसके बाद जो बच गए प्रोसेस आपको इंप्लीमेंट करना है तो उसे इंप्लीमेंट कर देगा ये, इंप्लीमेंट इंटीग्रेट व्हाट डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेसेस। जैसे ही प्रोसेस डिजायर्ड इंप्लीमेंट हो गया तो ये सीबीआई रिलेशनशिप इंप्रूव कर देगा। ओके, सीबीआई रिलेशनशिप इंप्रूव हो गया तो ये क्या प्रोवाइड कर देगा आपको, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग व्हाट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ट्रांसपेरेंट डिसीजन राइट्स एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क टू असाइन एंड मैनेज व्हाट ईच एलिमेंट ऑफ द मिशन एंड स्ट्रेटजी। तो ये क्या प्रोवाइड कर देगा, शॉर्टकट में अगर आप दिमाग में रखेंगे दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ये मिशन एंड स्ट्रेटजी बनाएगा, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ट्रांसपेरेंट डिसीजन एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण से आप क्या बना सकते हैं, मिशन एंड स्ट्रेटजी क्या पाने के लिए दोस्तों, इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। अच्छा, इट इनेबल्स इफेक्टिव स्ट्रेटजिकली अलाइंड, तो फिर ये क्या बोलता है कि जो भी आपने डिसीजन वगैरह लिया है आईटी प्रिंसिपल्स, यस नो, इट शुड बी अलाइंड। It enables effective and strategically aligned decision making for the IT plans that define the role of IT, IT architecture, IT infrastructure, application, this. Yes. So it enables what effective and strategically aligned decision making for the IT principles. तो जो भी आपने यहाँ पे decision लेना वो किसके हिसाब से हो जाएगा दोस्तों, IT principles के हिसाब से हो जाएंगे। सिंपल सा बेनिफिट्स में आ गया, सबसे पहले यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, लिमिटेशन कम हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि कैसे आपको आईटी यूज करना है और कैसे आईटी से रिलेटेड अरेंजमेंट करने, आउटसोर्स करनी चीजों को, ये बता देगा। बाकी जो प्रोसेस आपको इंप्लीमेंट करना है वो लग जाएगा। इंप्लीमेंट करने के बाद सीबीआई रिलेशनशिप अच्छा ये बना देगा आपका। देन जैसे सीबीआई रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो गया तो फिर इसके बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, एंड वो जो ऑब्जेक्टिव दोस्तों, इट शुड बी अलाइन विद द आईटी प्रिंसिपल। सो सिंपल, सो इजी। नाउ जैसे ही बेनिफिट्स हो गया तो डायमेंशन की बात होती है। डायमेंशन दो तरीके से हो गए, कन्फॉर्मेंस डायमेंशन एंड परफॉर्मेंस डायमेंशन। कन्फॉर्मेंस डायमेंशन किसकी बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे कन्फॉर्मेंस डायमेंशन बात कर रहा था कंप्लायंस की, यस नो, कंप्लायंस का मतलब हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अगर आप कन्फॉर्मेंस डायमेंशन फॉलो करते, मतलब हर चीजें कंप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सपोर्ट करता है किसको, प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है चेयरमैन, सीईओ, यस नो, जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव हैं उनके यस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं उनको, सो दैट दे कैन कंप्लीट दियर टास्क यस और नो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इन्हें कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या कंफर्म कर दिया कि हमने जो टॉप लेवल की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनको हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, देन इसके बाद क्या बोलता है कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड एड्रेस दिस डायमेंशन विद कंप्लायंस। तो यहाँ पे जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या उसे कंप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, यस उसे कंप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको क्या मिल जाएगा, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, इट इंक्लूड्स व्हाट, कमिटी कंसिस्टिंग विद व्हाट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, यस नो, दैट इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी। ये मैंने आपको तीन चीजों में लिखाया था, यस नो, यहाँ पे ये तो मॉड्यूल की वर्डिंग है, बट जो मैंने लिखा था, एक तो कंप्राइजेज ऑफ कौन कौन होंगे, उनका बेसिकली काम क्या होता है, रोल्स एंड क्या करते हैं वहाँ पे, कंप्लायंस करते हैं और किसके थ्रू करवाते हैं, ये कमिटी वगैरह बनाते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया था, कुछ कंप्लायंस वगैरह की बात नहीं की थी, यहाँ पे हमने मिशंस बनाए थे, ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, और वो मिशंस ऑब्जेक्टिव्स पांच थे, याद आ रहा है आपको, यस। तो ये बिजनेस ओरिएंटेड होता है, जहाँ पे हम मिशंस वगैरह बनाते हैं, ये प्रोएक्टिव रहता है अपने अप्रोच में। दूसरा मैंने बताया था यहाँ पे जो लोगों की, दैट इज व्हाट कॉल्ड इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, यस नो, यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो अपने लेवल पे क्या बना रहे हैं, मिशन बना रहे, यस नो, मिशन कौन कौन से थे, रिस्क मैनेजमेंट था यहाँ पे, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन था, आईटी स्ट्रेटजिक प्लानिंग थी, वैल्यू, देन इसके बाद ऑडिट एश्योरेंस कह सकते हैं। तो ये सारे मिशंस इनने यहाँ पे बनाए हुए, ये देखिए यहाँ पे फोकस ऑन स्ट्रेटजी विद द वैल्यू क्रिएशन, देन इसके बाद ओवरऑल स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाना पड़ेगा, देन इसके बाद ये क्या बोल रहा था यहाँ पे, डेवलप व्हाट अप्रोप्रिएट बेस्ट प्रैक्टिसेस टूल्स एंड टेक्निक्स। तो यहाँ पे सच एज बैलेंस स्कोर कार्ड, स्ट्रेटजिक इंटरप्राइज सिस्टम्स, ये सब यूज करें उस मिशन को पाने के लिए। देन इसके बाद इसने यहाँ पे क्या बनाया था, बोर्ड कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बनाए थे यहाँ पे, यस नो, एंड देन एग्जांपल एक वहां पे दिया था कि अगर आपको ऑडिटर को रेमुनरेशन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन पे करना है, यू शुड कंप्लाई द रूल्स रॉल्स एंड रेगुलेशंस स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट। और अगर आपको इंप्लॉई वगैरह को जो पे करना है, यस नो, दैट इज नॉट डिफाइंड, इट इज व्हाट कॉल्ड एज मैनेजमेंट एक्टिविटी।
तो ये हमारा दो डायमेंशंस था, नंबर वन इज व्हाट कॉल्ड एज कंप्लायंस एंड नंबर टू इज व्हाट कॉल्ड एज परफॉर्मेंस. नाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेस्ट प्रैक्टिस मैंने आपको बताई थी. सबसे पहला अगर टिप्स आपको याद हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस असाइंस रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, याद आ रहा है, तो क्लियर असाइनमेंट ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दूसरा मैंने क्या बताया, प्रोवाइड्स इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन अमंग्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा मैंने बताया था कि इंप्लीमेंट इन स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप रख सकते हैं. फोर्थ पॉइंट बोलता है मॉनिटरिंग ऑफ व्हाट रिस्क एक्सपोजर्स. फिफ्थ इज व्हाट कॉल्ड एज फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा. एंड सिक्स्थ इज व्हाट कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन फ्लो को मैनेज करता है. तो यस ना, ये हमारा पूरा टिप्स था. कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर्स असाइंस वाज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इंक्रीज व्हाट इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन अमंग्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देन एंड इंप्लीमेंट अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम टू रिड्यूस द रिस्क एंड प्रोवाइड व्हाट इंसेंटिव्स दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल इंसेंटिव्स. एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्लो मैनेज करता है. देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कोविड फाइव. यहां से कोविड फाइव में मैंने आपको बताया था कोविड फाइव इज अ स्टैंडर्ड है. यस नो, जो जिसका पूरा नाम है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बनाया गया, बनाया किसने, इसाका ने. अच्छा, इसाका जो थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट इसकी जो एप्लीकेबिलिटी दोस्तों प्रॉफिट एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों जगह पे अप्लाई होता है. क्या ये गवर्नेंस मैनेजमेंट प्रोवाइड करता था, यस. क्या ये सीआरक्री प्रोवाइड करता था, यस. अच्छा, क्या ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, यस. तो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट कंट्रोल रिक्वायरमेंट एंड बिजनेस रिस्क. देन इसके बाद पांच एरिया में अप्लाई होता था, जीईआईटी हो गया, रेगुलेटरी कंप्लायंस हो गया, इंटरनल कंट्रोल हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, ऑडिट एंड एश्योरेंस हो गया. बहुत बढ़िया. देन इसके बाद ये बोलता था होलिस्टिक अप्रोच. होलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे बताया था कि एक बार अगर ये आपने लगा दिया, ये सुना आपको कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इट हैज फोर डोमेन. अच्छा, चार डोमेन कैसे काम करता है, चार डोमेन पे काम करता था जिसपे 32 आईटी प्रोसेस थे, 7 इनेबलर्स था जो 34 गोल्स को अचीव करता था. इसके बाद ये FPPS प्रोवाइड कर, जिसका नाम मैप भी हम शॉर्टकट में बोलते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मॉडल्स एनालिटिकल टूल्स प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स, यस. देन इसके बाद तो ये क्या प्रोवाइड करता था, इट इंक्रीजेस द वैल्यू. तो वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन हो गया, रेगुलेटरी कंप्लायंस करता था, इनेबल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट विद द एंटरप्राइज गवर्नेंस एंड प्रॉपर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट कोविड फ्रेमवर्क. आराम से ये 34 आईटी प्रोसेस ईडीएम प्रोसेस को ये इंप्लीमेंट करता था. इसलिए मैं बोलता था जो कोविड 5 है इज इक्वल टू व्हाट कोविड 4 पूरा का पूरा. उसमें वैल आईटी भी ऐड हो गया, रिस्क आईटी ऐड हो गया, आईटीआईएल ऐड हो गया, आईएसओ ऐड हो गया, अदर मेजर स्टैंडर्ड्स ऐड हो गए, यस नो. एंड इसमें CMM जो था, CMM आपको कवर नहीं है, ठीक है, आप इसको हटा दीजिए. पहले ये स्टैंडर्ड था अमेंडमेंट के पहले, अभी ये स्टैंडर्ड नहीं है दोस्तों, तो CMM की यहां पे जरूरत नहीं है. नाउ अब आते हैं हमारे पास कोविड 5. मैंने आपको बता दी कोविड 5 में चार डोमेन है, 32 आईटी प्रोसेस, 34 आईटी गोल्स को हम यहां पे अचीव करते हैं. नाउ इसके बाद कोविड से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों. की प्रैक्टिस हमने कवर कर ली. देन नीड फॉर कोविड हमने आपको बताया था. पहला था ये, यस, पहला जो नीड था दोस्तों इसका ये क्या था कि इंटेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह पे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी. दूसरा हमने बताया था यहाँ पर ये आईटी प्रोसेस, 32 आईटी प्रोसेस प्रोवाइड करता है, वेल आईटी दैट इज वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है, रिस्क को मैनेज करता है, यूजर सेटिस्फाई हो जाता है एंड इंटरप्राइज वाइड इन्वॉल्व. एक बार कोविड फाइल लगा डाला तो दूसरा कुछ स्टैंडर्ड लगाने का जरूरत नहीं है. ये आपका नीड हो गया. सेकंड आता है हमारे पास कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स पहला था दोस्तों हमारे पास दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क हमने बताया था 4 डोमेन्स, 32 आईटी प्रोसेस, ईडीएम प्रोसेस प्रोवाइड करता है. प्रोसेस डिस्क्रिप्शन इसके पास क्या था, कॉमन लैंग्वेज, 32 आईटी प्रोसेस कॉमन लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहा है. कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ओके, 34 आईटी गोल्स थे कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी कंप्लायंस रिलायबिलिटी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ. देन कंट्रोल ऑब्जेक्टिव यहां पे जो था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, अच्छा ये हो गया कंट्रोल ऑब्जेक्टिव. नाउ मैनेजमेंट गाइडलाइंस ये क्या प्रोवाइड करता था दोस्तों, इट हेल्प्स इन असाइनिंग व्हाट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजर परफॉर्मेंस एंड इलस्ट्रेट इंटर रिलेशनशिप विद द अदर प्रोसेस. गाइडलाइंस प्रोवाइड करता था कैसे आपको इसे फॉलो करना है, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये प्रोवाइड करेगा कैसे आपको कंट्रोल जो भी आपने प्रोसेस लगाया उसको कैसे मेजर करना है. एंड मैच्योरिटी मॉडल चेक कर लो कि ये जो भी आप कोविड फाइल लगा रहे हैं ये बराबर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर नहीं कर रहा है तो आप उसे क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे. ये हमारा कंपोनेंट्स हो गए. तो पांच कंपोनेंट्स है दोस्तों. पहला था हमारे पास फ्रेमवर्क, सेकंड था हमारे पास प्रोसेस डिस्कस, थर्ड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, बीच बीच में गाइडलाइंस आपको लेना पड़ेगा एंड लास्ट पॉइंट था दैट इज व्हाट कॉल्ड इज मैच्योरिटी मॉडल. नाउ ये हमारे पास कंपोनेंट्स कंप्लीट हो. नाउ इनेबलर्स आए, टोटल हमारे पास 7 इनेबलर्स थे. 7 थे कौन कौन से, पहला इनेबलर था हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, यस, प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क जो क्या प्रोवाइड करता था, डिजायर्ड बिहेवियर कन्वर्ट कर देता एक्शन में अगर याद हो. फिर दूसरा था हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज प्रोवाइड करता था. तीसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, कौन कौन सा था, नंबर 1 इज इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन, देन पर्सनल एंड प्रोसेस, एंड पर्सनल के नीचे था कल्चर.
तो इंफॉर्मेशन भी ये आ गया। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या था दोस्तों, वैरायटीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अबाउट द की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देन इसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम था, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज व्हाट कॉल्ड एप्लीकेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज यूज्ड टू व्हाट कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट दैट प्रोवाइड्स व्हाट एंटरप्राइज विद आईटी प्रोसेस एंड सर्विसेज। देन पीपल स्किल्स एंड, तो यहाँ पे पर्सनल कवर हो गया, यहाँ पे कॉम्पिटेंसीज में आ गया। एंड द लास्ट पॉइंट बोलता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पर्सनल्स के लिए कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होना चाहिए, कॉमन कल्चर होना चाहिए जो सबको फॉलो होगा। एंड लास्ट में थर्ड प्रोसेस था पर्सनल, सॉरी दैट इज व्हाट कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस यहाँ पे दोस्तों 32 आईटी प्रोसेस कंप्राइज व्हाट प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज टू अचीव व्हाट एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव आईटी रिलेटेड गोल्स थे। तो ये जो फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, एप्लीकेशन हो गया, पीपल पीपल से that is what called as culture and then process। Then इसके बाद हमारे पास principles आते हैं। Principles पहला principles था दोस्तों all stakeholders need will be satisfied। Yes or no? तो ये कैसे हम satisfy करते थे? 32 IT process follow करके 7 enablers के through। Yes or no? Then covering the enterprise end to end। ये क्या बोल रहा है कि it provides what governance management end to end from top level to bottom level। मतलब यह क्या बोलता है, top level से लेके middle level, bottom level हर जगह COVID लगता था। दूसरा कुछ स्टैंडर्ड लगाने का जरूरत नहीं था। तीसरा क्या बोलता है दोस्तों, अप्लाइंग अ सिंगल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। मतलब इट इज जस्ट एन अम्ब्रेला जहां पे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स एक साथ आ जाते थे। यस नो, कंप्राइज ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड इनेबलिंग एन होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच क्या बोलता था दोस्तों कि जो भी आप काम करेंगे किसके थ्रू करेंगे, इनेबलर के थ्रू। 7 इनेबलर्स इसने प्रोवाइड किए जिसके थ्रू आप सारे के सारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। चूंकि ये गवर्नेंस है मैनेजमेंट प्रोवाइड करता था, पांचवा प्रिंसिपल था कि गवर्नेंस प्रोसेस अलग चलेगा, मैनेजमेंट प्रोसेस अलग चलेगा। गवर्नेंस मतलब हो गया ईडीएम प्रोसेस जो पांच जगह पे अप्लाई किया हमने। और इसके बाद दोस्तों जो था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज 32 आईटी प्रोसेस दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मैनेजमेंट प्रोसेस फोर डोमेन्स में था। दैट इज पहला प्लानिंग के लिए, दूसरा एक्विजिशन, थर्ड डिलीवरी एंड फोर्थ इज मॉनिटरिंग के लिए था। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास मॉडल्स। यस सुनो, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास मॉडल्स, प्रिंसिपल्स हो गया, प्रिंसिपल्स के बाद मॉडल्स आ गए। तो मॉडल CCDDRM अगर आपको याद हो तो यहाँ पे सी फॉर क्या बोलता था, कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है। बट आप यहाँ पे बट नॉट द ओनली पॉसिबल प्रोसेस मॉडल। यस सुनो, तो बहुत सारे आप ऐसे मॉडल्स बना सकते हैं। दूसरा क्या बोलता है कि सी फॉर कॉमन लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज करते थे। यस सुनो, कंट्रोल डिस्क्राइब करने के लिए। देन डी फॉर क्या था, इट डिस्क्राइब्स ओन, यस सुनो, जो भी है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस आप पूरा प्रोवाइड करते, डिफाइन इट्स ओन प्रोसेस सेट, आप अपना खुद का भी प्रोसेस कर सकते हैं। आर फॉर क्या था, रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द प्रोसेसेस, यस, प्रोवाइडिंग अ कॉमन रेफरेंस मॉडल। यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेस थे। एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, आप इसे मेजर एंड मॉनिटर भी कर सकते थे, CCDDRM। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास बेनिफिट्स। मैंने आपको बताया था बेनिफिट्स का मतलब क्या था वो दोस्तों, ऑल नीड्स, यस नो, तीन चार पॉइंट्स नीड के थे। देन इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट कंपोनेंट्स का था एंड एक पॉइंट हमारे पास जो था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बेनिफिट का था। यस अनम, सॉरी, तो ये दिस फोर पॉइंट्स जो फाइव पॉइंट्स है ये हमारे नीट के हो गए। देखिए नीट क्या बोलता था, सारे साइज पे अप्लाई होगा, ये कंप्लायंस को सपोर्ट कर रहा है, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड कर रहा है एंड रिस्क से रिलेटेड। यस नो, एंड देन इट प्रोवाइड्स व्हाट, आईटी मैनेजमेंट एज वेल। ओके, तो गवर्नेंस मैनेजमेंट सब प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद ये एक पॉइंट आ गया दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ कंपोनेंट का, जहां पे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट था। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी अचीव हो जाएगी। देन इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रिंसिपल से रिलेटेड था, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज होलिस्टिक मैनर। मतलब ये क्या बोलता था कि ये सारा का सारा काम किसके थ्रू कर रहा है, इनेबलर। इनेबलर मतलब मैंने 7 इनेबलर्स बताए थे, प्रिंसिपल्स हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अलग अलग इनेबलर्स के थ्रू आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं दोस्तों। ना इसके बाद हमारा जैसे ही यहाँ पे कोविड कंप्लीट होता है हम सीधे आ जाते हैं दोस्तों दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एरियाज ऑफ कोविड 5। एरियाज ऑफ कोविड 5 में पहला जो एरियाज आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज GEIT। यस नो, सेकंड एरियाज आता है रोल ऑफ आईटी। थर्ड एरिया आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये रहा। देन फोर्थ आता है हमारे पास वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, ये रहा। इंटरनल कंट्रोल दोस्तों, ये रहा। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों, ये रहा। सेवेंथ दैट इज व्हाट कॉल्ड एज आईटी कंप्लायंस, ये रहा आपका। एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस दोस्तों, ये रहा। तो टोटल आपके एरिया अब यहाँ पे कवर होते हैं। हमने बीच में बस एक पॉइंट छोड़ दिया दैट इज व्हाट कॉल्ड एज आईटी गवर्नेंस, वो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो GEIT दोस्तों क्या बोलते हैं, GEIT इज एन स्टैंडर्ड विच इज यूज टू प्रोवाइड व्हाट, इंटरनल कंट्रोल दैट इज IS कंट्रोल। ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क ऑफ IS कंट्रोल। तो यहाँ पे आप इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, वैल्यू ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बात वहां पे कर दी थी ना। इसके साथ साथ जैसे ही GEIT हमने कवर कर दिया, प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ GEIT इज टू व्हाट, डिलीवर वैल्यू टू व्हाट, स्टेक होल्डर्स। यही बात की थी हमने। यस, नाउ
जीईआरटी हमने आपको समझा दी, अब यहीं पे आईटी गवर्नेंस, आईटी गवर्नेंस मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो बता दिया, नाउ आईटी गवर्नेंस से रिलेटेड दो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, की प्रैक्टिस एंड बेनिफिट्स। तो ये वाला जस्ट क्वेश्चन आपका वहां पे ऊपर दिया हुआ है जहां पे हमने आईटी गवर्नेंस, क्योंकि दो ही क्वेश्चन थे तो हमने यहां पे लिंक नहीं किया, जस्ट उसको गवर्नेंस के साथ ही लिंक किया हुआ। तो पहला था की प्रैक्टिस, तो मैंने बताया था हु विल टेक द डिसीजन, हाउ द डिसीजन विल मेड, व्हाट इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, देन व्हाट डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड, मैंने आपको बताया था आप अल्टरनेटिव्स बनाए, देन उसको सेलेक्ट करें, देन एक्सेप्शंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गए तो यस नो, तो आपको डिफरेंट अप्रोच लेने पड़ सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज कैसे गवर्नेंस रिजल्ट को आप मॉनिटर करेंगे। देन इसके बाद दोस्तों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बेनिफिट्स। तो ये रहा हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस, एन अजाइल क्योर, याद आ रहा है, एन अजाइल क्योर विल रिड्यूस द रिस्क, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आईटी टू इंक्रीज यूजर सेटिस्फैक्शन एट बेटर कॉस्ट। अगर अजाइल मतलब था तो इट प्रोवाइड्स व्हाट एजाइलिटी इन द बिजनेस नीड। देन इसके बाद क्योर, सी फॉर दोस्तों हमारे पास सी फॉर कॉस्ट, सी फॉर कंप्लायंस था, अगर याद हो आपको, सी फॉर हमारे पास कंप्लायंस ये आ गया था, यू फॉर दैट इज व्हाट कॉल्ड एज, यू फॉर हमारे पास था यूजर का, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन, मैनेज आईटी नेबलर ट्रांसपेरेंट अंडरस्टैंड, ये रहा यू फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आईटी कंट्रीब्यूशन हमने बताए थे आपको, यस नो, आर फॉर जो हमने बताया दैट इज व्हाट कॉल्ड एज आर फॉर, R for हमारे पास था that is resources, optimum utilization of resources, ये रहा optimum utilization of IT resources, E for enabler for change, ये रहा हमारे पास enabler for change, ये रहा enabler for change, ये cure, okay, then reduce the risk, तो risk आपका reduce हो गया, देखिए risk कहाँ पे reduce हुआ आपका, ये रहा आपका mitigation of IT related business risk, आपने proper risk को manage कर लिया, अच्छा user की satisfaction बढ़ गई, ये रहा increase of user satisfaction, जिसके कारण से आपकी organization की value बढ़ गई, तो increases the value, yes or no, एंड देन लास्ट में था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बेटर कॉस्ट, तो ये यहाँ पे बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑफ आईटी, क्लियर। देन इसके बाद यहाँ पे हमने मोरल सपोर्ट दिया हुआ था, तो एम फॉर दोस्तों हमने बताया था अनएम्बिगस मेजर हैज टू बी आइडेंटिफाइड, ओ फॉर ओनरशिप मस्ट बी डिफाइंड, आर फॉर रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट शुड बी रियलिस्टिक, एंड रियलाइजेशन ऑफ बेनिफिट से रिलेटेड उसका रिस्क अजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज, ए फॉर दोस्तों हमारे पास दैट इज व्हाट कॉल्ड इज एक्यूरेट डेटा, यस नो, एंड L for links to the business strategy, जो भी आपका IT governance it should be linked with the business strategy। तो यहां पे हमारा इंटर आईटी गवर्नेंस वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है ना। इसके बाद हम आ जाएंगे दोस्तों सीधा सीधा GEIT पे, एकदम लास्ट में है हमारे पास GEIT, yes। Now GEIT से रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चन थे, व्हाट आर द की प्रैक्टिसेस, यस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो की गवर्नेंस प्रैक्टिस तो हमने लास्ट में कर लिया था, EDM, तो EDM यहां पे कवर हो गए, रिफर की गवर्नेंस प्रैक्टिस फॉर थ्री एरियाज कंपैरेटिव दैट हैज बीन गिवन एट एंड बिफोर इंटरनल ऑडिट हेडिंग। तो इंटरनल ऑडिट हेडिंग के पहले ही वो जस्ट की गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट वहां पे तीनों भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है दोस्तों। तो पहला यहां पे आप देख लेंगे, इट कंफर्म्स व्हाट, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ GEIT, अगर याद हो तो मैंने यहां पे बताया था सीमा, ये की प्रैक्टिस, यस नो, दैट इज ये रहा, तो की गवर्नेंस प्रैक्टिस तो हमने ईडीएम कवर किया हुआ, ओके, बेनिफिट्स हमने बताया था सीमा, अगर आपको याद हो तो यहीं पे आप सीमा लिख लें, सी फॉर कंप्लायंस हो गया, देन आईटी रिलेटेड डिसीजन मस्ट बी इन ट्यून विद द इंटरप्राइज गवर्नेंस, आई वो आईटी रिलेटेड प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए दोस्तों और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओके। एम फॉर जो बोल रहा था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एम फॉर क्या था, मीटिंग ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर की जो भी रिक्वायरमेंट है इट शुड बी फुलफिल्ड, एंड प्रोवाइड्स व्हाट कंसिस्टेंट अप्रोच, मतलब GEIT का अप्रोच शुड बी अलाइन्ड विद द गवर्नेंस अप्रोच, ये मैंने आपको बताया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आता है हमारे पास GEIT, हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया, KGP हमने लास्ट में कवर कर लेना है, EDM। नाउ रोल ऑफ आईटी, रोल ऑफ आईटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग के लिए नहीं बना है दोस्तों, बल्कि ये हर काम कर सकता है, मैंने बताया था इंटरप्राइज आर यूजिंग आईटी नॉट मेरली फॉर डेटा प्रोसेसिंग बट फॉर स्ट्रेटेजिक एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। आईटी स्टीयरिंग का काम क्या था दोस्तों, डायरेक्शन सुपरविजन कंट्रोल प्रोवाइड करता है, टॉप लेवल के अथॉरिटीज यहाँ पे बैठती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए, CFO हो गए, यस एंड जो भी फंक्शनल एरिया के जो मैनेजर हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, आईटी डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये चेक करते हैं कि आईटी डिप्लॉयमेंट जो भी आपने किया इट शुड बी इन ट्यून विद द इंटरप्राइज गवर्नेंस। ये दो चीजें हमने आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताया था कि दो चीजों पर आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। नाउ इसके बाद हमने फंक्शंस की बात की, सबसे पहले मैंने बोला था कि आप अपना प्लानिंग कर लें, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान विच शुड बी इन ट्यून विद द गोल्स एंड इंटरप्राइज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इंटरप्राइज। इस प्लान को फंक्शंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो प्लान्स के लिए तो फंक्शन, तो उसका साइज एंड स्कोप ऑफ द फंक्शन आप डिसाइड करें, फंक्शन आपने प्रोवाइड कर लिया, इसके बाद जो की प्रोजेक्ट होते हैं ये सुनो, तो आप डिप्लॉय करें वहां पे प्रोजेक्ट पे, तो डिप्लॉयमेंट पे ये इनका काम है कि जो भी स्टीयरिंग कमेटी है वो इनका फंक्शन होता है कि रिव्यू करेंगे, अप्रूव करेंगे उसको कि डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट, अच्छा उसमें से जो की प्रोजेक्ट है उसको भी वो मॉनिटर करेंगे,
ठीक है। अच्छा की प्रोजेक्ट बन गया एंड अदर प्रोजेक्ट बन गया, उसके लिए बजट चाहिए होगा, तो बजट भी लाना किसका काम होगा, स्टीयरिंग कमेटी का। बजट बन गया तो उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड पॉलिसीज प्रोसीजर बना दी, ये भी काम किसका है, स्टीयरिंग कमेटी का। अच्छा स्टैंडर्ड पॉलिसीज बना लिया, सिक्योरिटी देना पड़ेगा, यस। अच्छा डिसीजन की पॉइंट था, जो डिसीजन हमने ले लिया, एंड देन लास्ट में फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट, आईटी सिक्योरिटी। तो आईटी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंप्लीमेंटेशन वो काम किसका रहेगा, स्टीयरिंग कमेटी का। आईटी सिक्योरिटी लगा लिया इन्हें, देन इसके बाद कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज होता है दोस्तों, तो ये भी काम किसका है, स्टीयरिंग कमेटी का। एंड लास्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग जो भी करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये भी काम किसका रहेगा, स्टीयरिंग कमेटी का रहेगा। तो यहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी में हमने सबसे पहले आपको बताया था प्लान बनाया, फिर फंक्शन। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे बात की थी पहले प्लान की, फिर फंक्शन की, फिर यस नो की प्रोजेक्ट की, फिर उसके की प्रोजेक्ट, फिर उसका बजट, फिर उसका, अगर याद आ रहा हो ये डायग्राम आपको, बजट के बाद हमने बनाया था स्टैंडर्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, देन इसके बाद हमने यहाँ पे बनाया था उससे रिलेटेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने बनाया था कॉन्फ्लिक्ट्स, यस और नो, एंड देन सॉरी डिसीजन, डिसीजन के बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बाद कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड देन इसके बाद रिपोर्ट। तो ये जो पॉइंट था, दैट इज व्हाट कॉल्ड फंक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोस्तों। नाउ जैसे ये हमारा कंप्लीट हो गया, हम आ जाते हैं यहाँ पे आईटी स्ट्रेटजिक प्लानिंग में, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक आईटी स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या बोलता था कि यहाँ पे जो आपको क्या करना है दोस्तों, आईटी डिप्लॉय करना है। तो आईटी डिप्लॉय करने के लिए आपको कैसे आईटी डिप्लॉय करना पड़ेगा, यस नो, तो सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग बनाई जाएगी। प्लानिंग कहाँ पे जाएगा दोस्तों, टॉप लेवल वाला क्या करेगा, वो जो फंक्शनल एरिया के मैनेजर्स वो प्लानिंग करेंगे, जो जिस डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो उस डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करेगा। एंड ये प्लानिंग किसको जाएगी, बिजनेस प्रोसेस ओनर को। उससे क्या लिया जाएगा, जो भी उसका फीडबैक लिया जाएगा, यस नो, सजेशंस लिए जाएंगे और सजेशंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा तो ये सिलसिला यूं ही, यस नो, बॉटम लेवल टू टॉप लेवल, टॉप लेवल सजेशन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे चेंजेस होंगे, फिर सजेशन, फिर चेंजेस, फिर सजेशन, फिर चेंजेस। तो मतलब आप बार बार फीडबैक ले रहे हैं, कब तक, जब तक एडिशनल चेंजेस की रिक्वायरमेंट खत्म नहीं हो जाती है। तो एक बार ये सारी चेंजेस हो जाएंगे तो फिर आप नॉर्मली क्या कर लेंगे, आपका जो आईटी स्ट्रेटजिक प्लानिंग है वो क्या हो जाएगा, फाइनलाइज हो जाएगा। अच्छा ये स्ट्रेटजी फाइनलाइज होने के बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, पहला था लेवल ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज। तो तीन लेवल पे प्लानिंग हो रही है, एक तो स्ट्रेटजिक प्लानिंग टॉप लेवल पे, तो यहाँ पे ओवरऑल प्लानिंग हो रही है दोस्तों। मैनेजमेंट कंट्रोल उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो बता रहा है कि कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, कहाँ कहाँ पे रिसोर्सेज लगेंगे, उसका बजट वगैरह कितना होगा। और ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब क्या हो गया, हर एक काम को करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए होगी वो बॉटम लेवल पे होगी। देन इसके बाद कैटेगरीज मैंने बताया था, तो एंटरप्राइज स्ट्रेटजिक प्लान, यहाँ पे ओवरऑल प्लान की बात हो रही थी, जो कौन बना रहा है दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट बना रहा है ओवरऑल प्लान। अच्छा इस प्लान को फुलफिल करने के लिए एक और प्लान बनेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटजिक प्लान। ये क्या बात करेगा, यहाँ पे आईटी अपॉर्चुनिटी बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पे इट फोकसेस ऑन ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ व्हाट आईटी अपॉर्चुनिटी एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट, इट रिक्वायर्स स्ट्रेटजिक प्लानिंग प्रोसेस अंडरटेकन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप दोस्तों आप क्या बना रहे होंगे, यहाँ पे मिशंस बन रहे होंगे, यस नो, देन इसके बाद मिशंस बनने के बाद कौन कौन से बिजनेस स्ट्रेटजी लगेंगे, तो रिस्क मैनेज करना है, वैल्यू ऑप्टिमाइज करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे आप क्या बना रहे, बिजनेस मिशन बना रहे थे। बिजनेस मिशन बनाने के बाद, तो यहाँ पे अगर आप बिजनेस मिशन बनाए, तो इनेबलर्स ऑफ आईएएस स्ट्रेटजिक प्लान से रिलेटेड इनेबलर्स क्या से दोस्तों हमारे पास, सबसे पहले बोला अगर बिजनेस मिशन आपको अचीव करना है, यस नो, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, बिजनेस मिशन अगर अचीव करना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, बिजनेस स्ट्रेटजी। देन इसके बाद आपको बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेक करना पड़ेगा कि जो आईटी आप यूज कर रहे हैं वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरा था यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम, आप असेसमेंट नया जो पुराने वाला सिस्टम उसको चेक कर ले कि आपका बिजनेस मिशन अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको नया सिस्टम पे फोकस करना पड़ेगा। देन इसके बाद इंटरप्राइज पोजिशन ऑन रिस्क, रिस्क प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा। देन क्या सीनियर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, यस। आपको फिजिबिलिटी स्टडी भी करना पड़ेगा, यस। इन्वेंटरी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड देन मॉनिटरिंग की बात हो रही थी। नाउ जैसे आपका बिजनेस मिशन बन गया, अब क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर की बात कर रहे थे हम, जहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यस नो, हायरार्की मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों की नेबलर्स था, सबसे पहले आप डेटा से रिलेटेड हायरार्की बना ले, डेटा से रिलेटेड मैनेजमेंट बनाए, यस नो, डेटा से रिलेटेड मैनेजमेंट बनाए, उसका ओनरशिप आप प्रोवाइड करना पड़ेगा, बिजनेस से रिलेटेड आपको एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगी, ये सारी बातें मैंने आपको वहां पे लिखा दी थी। नाउ तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपने पहले पॉइंट पे क्या बना दिया था दोस्तों, पहले पॉइंट पे ओवरऑल प्लान, सेकंड प्लानिंग पे आपने क्या बनाया था, बिजनेस मिशन, तीसरे प्लानिंग पे आपने क्या बना दिया,
ऑर्गनर दैट इज इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, कैसे इंफॉर्मेशन आएगा, तो हायरार्की आपने सेट कर दी, रोल्स रिस्पांसिबिलिटीज प्रोवाइड करने हैं। फोर्थ इज व्हाट कॉल्ड एज, आपको कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसकी बात यहाँ पे होती है। आईएएस मैनेजमेंट डेवलपमेंट, आईएएस एप्लीकेशन फैसिलिटीज प्लान। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारे पास, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर अलाइनिंग आईटी स्ट्रेटजी विद व्हाट इंटरप्राइज स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड इंटरप्राइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ की मैनेजमेंट प्रैक्टिस, तो की मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए आपको डायग्राम बनाया था। सबसे पहले आप करेंट सिचुएशन हैंडल करें, देन प्रपोज देखें, इन दोनों का गैप देखें, स्ट्रेटजी बनाए, कम्युनिकेट करते बताया था। तो पहला हो रहा है अंडरस्टैंड इंटरप्राइज डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट कवर अप कर लें। देन इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा था, एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ करेंट बिजनेस आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर तो आप इंटरनल वाला देख लें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, हायरार्की कैसा है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। देन इसके बाद थर्ड, आपको जाना कहाँ पे, तो आईटी कैपेबिलिटीज, तो डिफाइन द टारगेट बिजनेस जो भी है आप वो डिसाइड कर लें। देन दोनों के बीच में गैप कितना है, तो गैप को एनालाइज करें एंड उसको ब्रिज करने की कोशिश करें, या सुनो कोप अप करने की कोशिश करें। एंड उसे कोप अप करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटजिक प्लान बनाना पड़ेगा, मतलब स्टेप टू स्टेप एक्टिविटीज। तो स्ट्रेटजी विल बी क्रिएटेड विद कोऑपरेशन ऑफ व्हाट रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स, या सुनो। देन इसके बाद कम्युनिकेट दीज आईटी स्ट्रेटजी, तो जो आपने आईटी स्ट्रेटजी बनाया है यस नो, इसे कम्युनिकेट कर दें विद ऑल स्टेक होल्डर्स। तो ये सबके पास पहुंच जाना चाहिए कि आपको कैसे आईटी गोल्स अचीव करना है, एंड दीज आईटी गोल्स मस्ट बी इन ट्यून विद द इंटरप्राइज गोल्स। नाउ दोस्तों इसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। यस नो, तो ये हमारे तीन पॉइंट कंप्लीट हो गए। वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं भाई केजीपी, तो केजीपी के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि इंटरनल ऑडिट हेडिंग के पहले हमने ईडीएम कवर अप किया हुआ है, वहां पे इवैल्यूएट डायरेक्ट एंड मॉनिटर ना। इसके बाद की मैट्रिक्स था, तो मैंने यहाँ पे आपको टिप्स दिया था, थ्री इन्वेस्टमेंट, टू आईटी सर्विस एंड वन सेटिस्फैक्शन सर्वे। तो तीन इन्वेस्टमेंट ये रहे आपके, एक तो क्या बोलता था बेनिफिट्स रियलाइजेशन, यहाँ पे क्या बोलता है बेनिफिट्स रियलाइजेशन मॉनिटर करो। दूसरा चेक करो कि जो भी आपने एक्सपेक्टेशन किया वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज व्हाट कॉल्ड क्लेम बेनिफिट मीट और एक्सीडेड। एंड तीसरा, बेनिफिट शुड बी मोर देन द कॉस्ट होना चाहिए। सेम यही काम आईटी सर्विस के लिए करना है। एंड लास्ट में सेटिस्फैक्शन सर्वे, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। ना इसके बाद हम आते हैं दोस्तों इंटरनल कंट्रोल पे। इंटरनल कंट्रोल पे एज पर एसईसी रूल, एज पर कोसो रूल, एसईसी रूल का अकाउंटिंग पॉलिसीज फ्रेमवर्क, पहला था मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सेकंड था जो भी आप ट्रांजैक्शन करें वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, यस ना। एंड थर्ड पॉइंट था कि अगर कुछ भी गलत ट्रांजेक्शन हुआ उसका क्या होना चाहिए, यस दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट डिस्क्लोजर। ना सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये रहा एज पर कोसो, बराबर है। तो इंटरनल कंट्रोल एज पर कोसो मैंने टिप्स यहाँ पे दिया था, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आर रिस्क असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। कंपोनेंट मतलब कंट्रोल इन्वायरमेंट, यस नो। देन इसके बाद इंटरनल मतलब था हमारे पास इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ओके। देन कंट्रोल, कंट्रोल एक्टिविटीज थी, रिस्क असेसमेंट एंड देन मॉनिटरिंग। कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या चेक करना था दोस्तों, यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बराबर तरीके से कवर अप है या नहीं है। तो यहाँ पे नीड एंड डेवलप व्हाट मेंटेन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट, तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो इंटरनल इन्वायरमेंट में आपका सब कुछ कवर हो गया, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आपका सप्लायर वगैरह वगैरह जो भी है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होने चाहिए। देन दूसरा क्या बोलता है, रिस्क असेसमेंट, ओ रिस्क आइडेंटिटी से लेके रिस्क मैनेजमेंट तक का पूरा प्रोसेस यहां पे कवर हो जाए। कंट्रोल एक्टिविटीज, जितने भी ईडीएम प्रोसेस, 32 आईटी प्रोसेस जो भी आपने लगाया, सारे सारे कंट्रोल यहां पे होने चाहिए, यस नो। और रिस्क को क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। अच्छा, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो भी, तो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, यस नो, ये प्रॉपर कम्युनिकेट होना चाहिए टू ऑल स्टेक होल्डर्स अबाउट द कंट्रोल। तो इट इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द कंट्रोल एक्टिविटीज, तो कंट्रोल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, यस नो, इट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टेक होल्डर्स। मॉनिटरिंग, तो जितने भी आपने कंट्रोल प्रोसेस लगाया उसे आप चेक करते रहे कि बराबर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो क्या कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। ये हमारा दोनों दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंटरनल कंट्रोल एज पर एसईसी रूल एज पर कोसो कवर हो गया। नाउ रिस्क मैनेजमेंट हमने दो चीजें कवर कर ली, एक तो जनरल लेवल पे एंड स्पेसिफिक रिस्क मैनेजमेंट कोविड 5। नाउ टर्मिनोलॉजी हमारे पास आता है रिस्क मैनेजमेंट पे, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इनकंपासिंग व्हाट, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, ट्रीटिंग, मॉनिटरिंग, कम्युनिकेटिंग द इंपैक्ट ऑफ रिस्क ऑन आईटी प्रोसेसेस। यस नो, फिर यहाँ पे ऑडिटर्स आएगा, चेक करेगा बराबर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर बराबर तरीके से काम नहीं कर रहा है, देन इट शुड बी रिपोर्टेड टू ऑडिटी मैनेजमेंट, यस नो। देन इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस अगर करना है तो इट शुड गवर्न बाय द ईआरएम स्टैंडर्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय द कोविड 5 एंड कोसो।
Now, what are the common risk, common source of risk? तो कहाँ कहाँ से आता है? तो इसको normally आपको याद करने की जरूरत नहीं, just दिमाग में रख लें. एक तो legal relation, अगर आप proper compliance वगैरह नहीं करते तो problem आएगा. दूसरा political circumstances, yes or no. तीसरा natural event, flood आ गया, yes or no. Disaster हो गया, earthquake आ गया, ये reason हो सकता है. Management activities and control, ID password आपने नहीं दिया, यस ना, सीसीटीवी नहीं लगाया. इंडिविजुअल एक्टिविटीज की गलती से किसी ने वायरस डाल दिया. ओके, ह्यूमन बिहेवियर, उसको पता ही नहीं है सिक्योरिटी के बारे में. ह्यूमन बिहेवियर, टेक्निकल इश्यूज, आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं है. यस ना, आपने गलत कमांड दे दिया, करप्ट हो गया सॉफ्टवेयर. यस ना, फंक्शन गलत हो गया, इस केस में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सोर्सेज ऑफ रिस्क. नॉर्मली कैरेक्टरिस्टिक्स और तीन चीजें, दैट इज नंबर वन, जो रिस्क है वो अटैक करता है, मैंने आपको बताया था. दूसरा, अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस expressed in terms of what, probability. तो risk, हर एक risk की क्या होती है, एक probability होती है. and दूसरा, तो probability कारण कितना loss हो रहा है, तो अगर ज़्यादा probability है तो ज़्यादा होने के chances, ज़्यादा risk होगा तो ज़्यादा loss होगा. तो एक loss किसके through arise हो रहा है, probability के through. दूसरा loss जो किसके through arise होता है, vulnerability और threat. तो as a result of what, threat और vulnerability. एक तो probabilities वो आता ही है उस level पे, virus 90% 80% probability है. अच्छा, फायर की अगर 10% प्रोबेबिलिटी, 5% प्रोबेबिलिटी, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या है दोस्तों, वल्नरेबिलिटी है, तो डेफिनेटली फिर वहां पे भी लॉस हो सकता है. तो एक हो गया अटैक करेगा, हर एक रिस्क क्या करता है, अटैक करता है. दूसरा, लॉस प्रोबेबिलिटी कारण हो सकता है, और तीसरा लॉस जो हो सकता है वो वल्नरेबिलिटी कारण हो सकता है. ना, इसके बाद टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी. एसेट क्या है दोस्तों, एसेट इज एनीथिंग विच गिव्स वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन. कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, यस नो, टेलीफोन हो गया, इट गिव्स वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन. इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द वायरस एंड थ्रेट्स. सेकंड आता है रिस्क. रिस्क मीन्स व्हाट, रिस्क इज अ लाइकलीहुड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन वुड फेस अ वल्नरेबिलिटी बीइंग एक्सप्लॉइट. तो थ्रेट तभी आएगा, रिस्क तभी आएगा जब आपके पास वल्नरेबिलिटी है. इफ देयर इज नो वल्नरेबिलिटी, देयर इज नो रिस्क और अ थ्रेट बिकमिंग व्हाट, हार्मफुल. देन रिस्क जो हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट रिस्क भी हो सकता है. अच्छा, रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या होगा, मैंने बता दिया, आइडेंटिफिकेशन से लेके उसके मैनेजमेंट तक. ओके, तो दैट इज ऑल आइडेंटिफिकेशन एंड देन उसका इंपैक्ट एंड लॉस. यस नो, देन इसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल. ये तीन चीजें मैंने बता दी, आइडेंटिफिकेशन से लेके उसके कंट्रोल तक की बात. नाउ रिस्क, फिर लास्ट क्या बोलता है, रिस्क जो अराइज होता है, इट इज अ गैप बिटवीन व्हाट, रिस्क रिक्वायर्ड, सॉरी, कंट्रोल रिक्वायर्ड एंड कंट्रोल अप्लाइड. तो यहां पे मैंने जो गैप हो रहा है ये किसके कारण से हो रहा है, मैंने बताया था यहां पे ड्यूअल वाइन, DUALWINE, D फॉर डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल. मैंने बोला अपना आप मैनेजमेंट किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे तो डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम आ जाएगा ज्यादा. कभी कभी पता भी नहीं होता, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है. दूसरा प्रॉब्लम, यू फॉर अनइवननेस चेंज इन टेक्नोलॉजी. ए फॉर क्या था, अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग, गॉट मजा आ गया. यस नो, मैंने बताया था मजा आ गया. एल फॉर दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड, आपको सिक्योरिटी का नॉलेज ही नहीं है. डब्ल्यू फॉर वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यस नो वाइड लेवल पे यूज है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इंटरनेट. तो इंटरनेट हैज व्हाट मोर थ्रेट, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, आप बहुत सारे सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं. ओके, नो बार ऑन डिस्टेंस, आपने कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया हुआ है कंप्यूटर पे. एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर फेवरेबल नहीं है तो भी थ्रेट प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, तो ये क्या बोला, गैप इज कॉज ड्यूअल वाइन, डी फॉर डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, यू फॉर अनइवननेस चेंज इन टेक्नोलॉजी. यस नो, ए फॉर क्या था, अवेयर, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल अटैक, मजे लेने के लिए. एल फॉर लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ सिक्योरिटी. ओके, डब्ल्यू फॉर वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आई फॉर इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द सिस्टम. यस नो, ओके, देन एन फॉर क्या था, नो बार ऑन डिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस एज कॉन्स्टेंट. ई फॉर दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर. नाउ इंपैक्ट हो गया, वो आप पढ़ ले, एक्सटर्नल डेंजर्स हो सकते हैं, मिसयूज हो सकता है, एंड अवेलेबिलिटी एंड रोबस्टनेस. ओके, नाउ लाइकलीहुड ऑफ थ्रेट, इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ द ऑकरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ द थ्रेट. क्या बोलता है, इट इज द एस्टिमेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ थ्रेट, मतलब थ्रेट होने के चांसेस कितने, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों लाइकलीहुड ऑफ थ्रेट. अटैक का मतलब क्या होता है, कोई भी एक्शन जो आपके कंप्यूटर को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है. यस नो, इट इज एन अटेम्प्ट टू वेट गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, जो आपके कंप्यूटर क्या प्रभाव पहुंचा रहा है, हार्म पहुंचा रहा है. ओके, वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, इट इज अ वीकनेस इन द सिस्टम सेफ गार्ड दोस्तों. यस नो, ये कहीं पे भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, क्रिप्टो सिस्टम, या कहीं पे भी हो सकता है. जितना ज्यादा वल्नरेबिलिटीज होगा उतना ज्यादा थ्रेट होगा, तो इट अलाउज अ थ्रेट टू हार्म. यस नो, जितना ज्यादा वल्नरेबिलिटी उतना ज्यादा थ्रेट. अच्छा, जितने ज्यादा वल्नरेबिलिटी उतना कम कंट्रोल हो गया, तो मिसिंग सेफ गार्ड ऑफन डिटरमाइन द लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी. जितना सेफ गार्ड कम है उतनी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, जितनी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है उतना थ्रेट ज्यादा है दोस्तों. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रेट. थ्रेट का मतलब क्या है, थ्रेट इज एन एक्शन, इवेंट और कंजेशन व्हिच कॉजेज हार्म टू द सिस्टम.
एक्सपोजर क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ द लॉस व्हेन रिस्क इज मटेरियलाइज्ड, तो एक्सटेंट ऑफ लॉस व्हिच इज वेयर द व्हेन द रिस्क इज मटेरियलाइज्ड, यस नो। अच्छा, इसका जो इंपैक्ट है वो जरूरी नहीं इमीडिएट हो, वो फ्यूचर में भी हो सकता है और जरूरी नहीं मनी में हो, यस नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आता है हमारे पास काउंटर मेजर। काउंटर मेजर मतलब होता है कंट्रोल, जो रिस्क की वल्नरेबिलिटी को कम करता है, यस नो, या उसके इंपैक्ट को कम करता है। रेसिडुअल रिस्क क्या होता है दोस्तों, वो रिस्क जो आफ्टर अप्लाइंग द कंट्रोल विच रिमेन अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनी रिस्क स्टिल रिमेनिंग आफ्टर द काउंटर मेजर इज अप्लाइड। नाउ इसके बाद हमारे पास टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गई। नाउ वेलकम टू व्हाट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मैंने बताया था या तो आप इसको क्या कर दे दोस्तों, या तो आप इसको क्या कर दे टर्न बैक, दैट इज अवॉइड कर दे, यहां पर आगे इग्नोर। अच्छा, बहुत अगर ज्यादा क्रिटिकल है रिस्क या सुनो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टर्मिनेट इलिमिनेट द रिस्क, दैट इज व्हाट कॉल्ड एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लगा के हटा दे, तो यहाँ पे जो इलिमिनेट करना है बाय यूजिंग व्हाट टेक्नोलॉजी, ओके। तीसरा बोलता है अगर रिस्क बहुत ही क्रिटिकल है, इम्पॉसिबल है, 100% होएगा ही, सॉरी इम्पॉसिबल नहीं, सर्टेन है, रिस्क इज सर्टेन 100% होना, उसका लॉस भी बहुत ज्यादा होएगा, तो फिर बेटर है आप क्या कर ले दोस्तों, यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें, तो मतलब आप क्या करें शेयर्ड विद द ट्रेडिंग पार्टनर सप्लायर, तो इस रिस्क को आप शेयर कर ले, मतलब आप रिस्क को क्या करें बर्डन सम उसका ट्रांसफर कर रहे हैं। नाउ ट्रीट द रिस्क, ये क्या बोलते हैं, जहां पर रिस्क बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाए कंट्रोल करना उसको, तो बेटर है आप उसको होने ही ना दें, ऐसे कंट्रोल करें, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रिवेंटिव कंट्रोल, यहां पे लिखा है सुटेबल प्रिवेंटिव कंट्रोल्स मस्ट बी डिवाइस्ड एंड इंप्लीमेंटेड दोस्तों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास टॉलरेट और एक्सेप्ट द रिस्क, कंट्रोल लगाने के बावजूद भी अब जो रिस्क बच गया है थोड़े बहुत, यस नो, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मैंने एग्जांपल बोला था, रेसिडुअल रिस्क मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज विदाउट इंप्लीमेंटिंग व्हाट फर्दर कंट्रोल। तो ये हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हो गया, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ रिस्क मैनेजमेंट बाय कोविड 5, ओके। नाउ अब कोविड 5 क्या बोलते हैं, केजीपी, तो अगेन वही बात आ गई, केजीपी हमने आगे कवर करना है, और यहां पे हमने दो चीजें EDM 03, एक तो EDM 03 हमने कवर किया था, यस नो, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करता था, याद रखें आप, और एक था APO 12 जो एक्शन जो प्रोसेस प्रोवाइड करता था, क्या प्रोवाइड करता था, प्रोसेस प्रोवाइड करता था दोस्तों, और दोनों मिला के क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव बना रहा है और दूसरा उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है, प्रोवाइडिंग व्हाट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, इस तरीके से आप अपना पूरा रिस्क मैनेज कर रहे हैं। देन इसके बाद यहां पर आता है की मैनेजमेंट प्रैक्टिस, की गवर्नेंस मैंने बता दिया, आगे हम पढ़ेंगे, एंड की मैनेजमेंट प्रैक्टिस यहाँ पे हमने आपको बताया था CAMA डॉक्टर गुरु गुप्ता, यस नो, सी फॉर कलेक्ट द डेटा, तो आप रिस्क से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसकी, यस नो, नेचर एंड टाइप ऑफ द रिस्क, कहाँ पे हो रही है, एरियाज अफेक्ट कर रहा है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें, एनालाइज द रिस्क, उन इन्फॉर्मेशन को यूज करके ऐसी इन्फॉर्मेशन डेवलप करें जिससे आपको पता चल जाए कौन सा रिस्क ज्यादा क्रिटिकल है, कौन सा रिस्क कम क्रिटिकल है, तो डेवलप यूजफुल इन्फॉर्मेशन। तीसरा दोस्तों बोलता है ऐसे रिस्क की एक अपनी प्रोफाइल बना ले, तो हमने बहुत सारी यहाँ पे प्रोफाइल बना ली थी, यस नो, तो वायरस है तो उसका एट्रीब्यूट क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्सपोजर क्या है, कौन कौन सा कंट्रोल लगाना है, फिर आर्टिकुलेट द रिस्क, यहाँ पे व्यू प्रोवाइड करेगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये व्यू प्रोवाइड करता है कि कौन सा रिस्क एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिस्क एक्सेप्ट नहीं करना, अगर रिस्क की अपॉर्चुनिटी उसके कॉस्ट से ज्यादा होती है तो आप एक्सेप्ट कर लें, और रिस्क से होने वाली अपॉर्चुनिटी अगर उसके कॉस्ट से कम है तो उस रिस्क को क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, नहीं एक्सेप्ट करना है। देन आप क्या बना ले, ऐसे रिस्क है जो आपने पोर्टफोलियो बना लिया, यस नो, प्रोफाइल बनाया उसका, अब एक्शन पोर्टफोलियो बनाए कि अगर जो मैंने ये रिस्क की एक प्रोफाइल बनाई हुई है क्या एक्शन लेना है उसको, तो मैंने यहाँ पे अगर रिस्क बोला तो कंट्रोल एंटीवायरस, एंड देन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, अच्छा किस टाइम पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी कि किस रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन सा एक्शन लेना पड़ेगा, एंड देन रिस्पॉन्ड द रिस्क, यस नो, तो प्रॉपर तरीके से आप रिस्पॉन्ड करना, यहाँ पे एग्जाम्पल भी था कि अगर घर पे आग लग गया, यस नो, तो आप उस आग को कैसे मेजर करेंगे, तो देयर हैज टू बी इमरजेंसी प्लान, तो सबसे पहले आप कॉल कर ले, यस नो, मेन स्विच ऑफ कर दें, देन इसके बाद जो मेन क्रिटिकल एसेट्स उसको बाहर ले जाए, तो इस तरीके से हाउ यू हैव टू व्हाट रिस्पॉन्ड द रिस्क। यहां पे हमारा ये वाला पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट नॉर्मली कंप्लीट होता है, अब रिस्क मैनेजमेंट कोविड 5 है, कोविड 5 में तीन चीज, केजीपी, केएमपी एंड मैट्रिक्स, तो केजीपी हमने सेपरेटली कवर कर लेना है, केएमपी, अब यहां पे केएमपी क्या गया, रिस्क मैनेजमेंट की मैनेजमेंट प्रैक्टिस, तो रिस्क मैनेजमेंट की मैनेजमेंट प्रैक्टिस हमने कवर कर लिया। नाउ इसके बाद हमारे पास ये केएमपी, दैट इज व्हाट कॉल्ड सीएमए गुरु गुप्ता, ओके। नाउ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की अगर हम बात कर रहे थे तो यहां पे हमने बताया था आपको चार पॉइंट्स हमने कवर किए थे दोस्तों मैट्रिक्स पे, चार पॉइंट, पहला था परसेंटेज ऑफ क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस आईटी सर्विस इनेबल प्रोग्राम कवर्ड बाय द रिस्क असेसमेंट, दूसरा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आईटी रिलेटेड इंसिडेंट्स कितना हुआ है, देन इसके बाद हमने बात किया था परसेंटेज ऑफ इंटरप्राइज रिस्क उसमें से आईटी रिलेटेड रिस्क कितना था एंड कितनी जल्दी जल्दी आप उस प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है कंप्लायंस इन कोविड 5,
ये हमारा पूरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। नाउ आईटी कंप्लायंस हम बात कर रहे हैं, तो आईटी कंप्लायंस पे सबसे पहले हमने चेक करना है कि यस नो क्या क्या कंप्लाई कर रहे थे, कैसे कंप्लाई करना है। तो इसने बताया था यहाँ पे मिया 03 जो बता रहा था एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा था यहाँ पे, और ये जो था दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फोर्थ डोमेन था आपका कोविड 5 का, जो प्रोवाइड कर रहा था कि आपको एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जो भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स रूल्स लॉज रेगुलेशंस हैं ये आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये बोलता है की मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है, कैसे आप कंप्लाई करेंगे। तो बोलता है सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या क्या लगेगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे पहले पॉइंट पे, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स लगने आप आइडेंटिफाई करें, और स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे आप क्या करें दोस्तों पॉलिसी बनाएं। तो यहाँ पे अब आप क्या करें पॉलिसी प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स बनाएं, उसको रिव्यू करें यस और नो कि बराबर तरीके से बनाए या नहीं बनाए। तीसरा कंफर्म एक्सटर्नल कंप्लायंस, यहाँ पे चेक करें कि जो आपने पॉलिसीज प्रिंसिपल्स बनाए हैं क्या वो एज पर द स्टैंडर्ड है या नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ऑब्टेन एश्योरेंस चेक कर लें कि भाई किस लेवल तक बना है, और बाकी चीजों को क्या कर दे आप रिपोर्टिंग कर दे। तो जिस लेवल पे भी आपने पॉलिसी बनाई है यस नो उसके हिसाब से आप क्या कर दें रिपोर्टिंग कर दें। नाउ इसके बाद अगेन यहाँ पे मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स में दोस्तों हमने दो तरीके से कवर किया, एक तो कंप्लायंस विद एक्सटर्नल लॉस, कंप्लायंस विद इंटरनल। कंप्लायंस विद एक्सटर्नल में क्या गया था, पहला तो कॉस्ट, अगर आपने आईडी नॉन कंप्लाई किया तो कितना कॉस्ट पेनाल्टी वगैरह कितना आएगा। दूसरा था दोस्तों नंबर ऑफ नॉन कंप्लायंस, अब नंबर आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन कंप्लायंस विद ऑल यस नो टोटल, और नंबर ऑफ आईटी रिलेटेड यहाँ पे सिर्फ नॉन कंप्लायंस बात, यहाँ पे टोटल नॉन कंप्लायंस, यहाँ पे आईटी रिलेटेड नॉन कंप्लायंस, और कितना आपने कवरेज किया मतलब कितने सारे स्टैंडर्ड आपने कवर अप किए। नाउ इंटरनल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पहला पॉइंट सिर्फ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स था एंड बाकी सारा पॉलिसी था। पॉलिसी पे क्या बोलता है परसेंटेज ऑफ स्टेक होल्डर, कितने लोगों ने पॉलिसी को समझा है, फिर कितने लोग ऐसे जो पॉलिसी सपोर्टेड बाय व्हाट इफेक्टिव स्टैंडर्ड्स, तो कितनी पॉलिसी ऐसी जो स्टैंडर्ड के हिसाब से काम कर रही है, और कितनी पॉलिसी ऐसी जो प्रॉपर तरीके से अपडेट हुई है। तो यहां पे हमने आईटी कंप्लायंस कर लिया दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड आईटी कंप्लायंस विद एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल पॉलिसीज। नाउ इसके बाद यहां पे एक कंप्लायंस था, दैट इज व्हाट कॉल्ड जीआरसी। जीआरसी मैंने आपको बताया था गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। गवर्नेंस मैंने बता दिया, जब आप ईडीएम प्रोसेस प्लस 32 आईटी प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपको गवर्नेंस मिल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए दोस्तों, रिस्क ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, मिनिमम लेवल पे रिस्क वहां पे होना चाहिए। देन इसके बाद कंप्लायंस बोलता है व्हेन यू फॉलो ऑल रूल्स लॉज एंड रेगुलेशन यू विल फॉलो द कंप्लायंस, यू विल एक्सेप्ट यू विल comply all those rules and regulation. Then इसके बाद बोलता है अगर आपको GRC चाहिए तो definitely आप क्या बोलते हो COVID 5 framework provide करता है बहुत सारे standard जिसके through आप GRC accept करते हैं, and COVID combined with GEIT provide what governance, COVID combined with ERM provides what risk management, COVID combined also cover provide what IT controls. देन इसके बाद यहाँ पे आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर जीआरसी। मैंने आपको बताया था यहाँ पे दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही डायग्राम में आपको दिखाया था। सबसे पहले आप जीआरसी की रिक्वायरमेंट को समझ लें, देन इसके बाद रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो समझ लें, करंट जीआरसी का स्टेटस समझ लें। देन इसके बाद ये फोर पॉइंट्स जो थे नेक्स्ट फोर पॉइंट्स ये अप्रोच से रिलेटेड थे। तो पहला बोलता था ऑप्टिमल अप्रोच यूज करें, देन की पैरामीटर सेट कर लें, उसमें प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच यूज कर लें। इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, हाँ जी इसमें जो बोलते हैं दैट इज यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एंड लास्ट में आपको एडॉप्ट बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो गोल्स क्या थे दोस्तों, सबसे पहले ये तो कंप्लायंस वाली बात कर रहा था यस नो यस, ये रहा पे आपका कंप्लायंस वाला, ये रहा कंप्लायंस स्टेटस प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा बोलता है यहां पे जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिडक्शन ऑफ रिडंडेंट कंट्रोल। तो ये रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, चार पॉइंट रिडक्शन से रिलेटेड। रिडंडेंट कंट्रोल, कंट्रोल फेलियर्स कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर सेव हो जाएगा आपका, यस नो आप टाइम सेव कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट दो चीजों पे हो जाएगा, एक तो प्रोसेस पे और दूसरा दोस्तों टाइमली रिपोर्टिंग पे। ये हमने बात कर ली थी यहां पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास की गवर्नेंस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हमने क्या किया था दोस्तों, इवेल्युएट डायरेक्ट एंड मॉनिटर। इवेल्युएट में तीन चीजें मैंने आपको बोली थी, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर ले नई चीज को, ये सुनो तो नया गवर्नेंस, नया रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, नया इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन इसमें दूसरा काम क्या करना था आपको, हाँ जी डॉक्यूमेंट कर ले उसको, नई चीज जो भी आपने लाई है, एंड तीसरा जजमेंट ले ले कि भाई नया वाला लगाना है या पुराना वाला लगाना है। अगर नया वाला लगाना है तो टेक डायरेक्शन फ्रॉम द लीडर्स, बराबर है, उससे फिर दूसरा क्या ले ले प्रिंसिपल्स प्रैक्टिसेस यस और नो, और उसको अप्लाई करके आप उसको इंप्लीमेंट कर दे नए वाले को। नया वाला जब इंप्लीमेंट हो गया तो मॉनिटर करें प्रॉपर तरीके से कि बराबर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड वेदर इट इज इन ट्यून विद द इंटरप्राइज गवर्नेंस और नॉट, दैट्स ऑल अबाउट। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम एश्योरेंस, तो पहला पॉइंट जो आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड लास्ट एरिया हम आ गए दोस्तों, दैट इज ऑडिट एंड एश्योरेंस। पहला पॉइंट आता है
हाँ जी, पहला पॉइंट आता है कि मीटिंग ऑल स्टेक होल्डर्स नीड, सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास डिलीवर बेनिफिट्स टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ओके। देन इसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, बेनिफिट हो गया, देन इसके बाद वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, तो आईटी रिलेटेड इश्यूज। देन इसके बाद ये बोलता है कि भाई मैं दूसरे स्टैंडर्ड से इंटीग्रेट भी रहूंगा, ओके। एंड लास्ट पॉइंट बोलता था दोस्तों, दैट इज व्हाट इट प्रोवाइड्स आउट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। देन इसके बाद आता है हमारे पास आईटी गवर्नेंस, अगर आपको टिप्स याद हो, लीडरशिप एंड मॉनिटरिंग, क्या था, लीडरशिप एंड मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप। तो यहाँ पे आप लीडरशिप की ऑडिट कर लें कि भाई ये प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व है या नहीं है, ये अपना रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड इसकी एबिलिटी प्रॉपर है या नहीं, ये तीन चीज आप चेक कर लें। मॉनिटरिंग, क्या मॉनिटर करना है, इसके फ्रेमवर्क को और सिस्टम को बराबर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये जो फ्रेमवर्क सिस्टम है ये आउटपुट को मॉनिटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। कंट्रोल, हमने बात की, जितने कंट्रोल हम लगाते हैं चेक कर लें बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ही रिव्यूज ऑल की कंट्रोल्स डिफाइंड बाय द आईटी डिपार्टमेंट, दैट इज 32 आईटी कंट्रोल्स हमने जो लगाए थे, ओके। रिस्क की बात कर रहा है कि जो भी रिस्क है ये ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यस नो, मिनिमम लेवल पे होना चाहिए, इसके लिए आप चेक करें आईटी रिस्क रिलेटेड जो भी आईटी प्रोसेस आपने लगाए थे, क्या बराबर तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई, एनालाइज, इवेलुएट, मैनेज कर रही या नहीं कर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या चेक करना है, उसकी हायरार्की, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक करने के, बराबर तरीके से आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है दोस्तों। एंड लास्ट में था प्रोसेस, प्रोसेस जितने भी हैं सब अपने अपने जगह पे है, क्या इफेक्टिवली काम कर रही या नहीं कर रही, ये हमें चेक करना है, कौन से प्रोसेस, आईटी रिलेटेड प्रोसेस। तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास आईटी गवर्नेंस, यस इंटरनल कंट्रोल, सॉरी इंटरनल कंट्रोल, मैंने टिप्स यहां पे दिया था, एमआरपी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स आर आइडेंटिफाइड एंड इंश्योर प्लान स्कोप एंड एग्जीक्यूट, यही था हमारे पास, यस देख ले यहां पे एमआरपी, एम फॉर था दोस्तों मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, डायग्राम भी मैंने आपको दिया था, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सेकंड था हमारे पास मॉनिटर करने के बाद, सेकंड हमने चेक किया था उसका जो बिजनेस प्रोसेस इफेक्टिवनेस है वो चेक करना है, तीसरा हमने चेक करना था कि जो मैनेजमेंट है वो खुद से भी ऑडिट करना चाहिए, फोर्थ हमने चेक किया था दैट इज व्हाट जो भी डेफिशिएंसीज वो मिलनी चाहिए, फिफ्थ पॉइंट था कि जो आईएएस ऑडिटर आ रहा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यस नो, क्वालिफाइड होना चाहिए, अच्छा इसके बाद जो प्लान हमने बनाया था वो एज पर द इंटरप्राइज गवर्नेंस होना चाहिए, अच्छा जो प्लान का ऑब्जेक्टिव था, यस नो, जो इंटरनल कंट्रोल प्लान का आईडी प्लान का ऑब्जेक्टिव था, इट शुड कवर ऑल द एरियाज डिफाइंड इन द इंटरप्राइज गवर्नेंस, मतलब वो सारे सारे एरिया कवर करने चाहिए जो इंटरप्राइज गवर्नेंस ने बोला है, एंड एग्जीक्यूट, ये ऐसे काम करना चाहिए ये जो आईडी प्लान है, यस नो, ये इस तरीके से काम करना चाहिए जैसे फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है, तो जो इंटरप्राइज गवर्नेंस ने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जो कोविड ने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, स्टैंडर्ड ने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, उसके हिसाब से इसे काम करना चाहिए, प्लान स्कोप एंड एग्जीक्यूट दोस्तों। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास रिस्क मिटिगेशन, सेकंड लास्ट जो है दैट इज कॉल्ड रिस्क मिटिगेशन, तो सबसे पहले मैंने बताया अगर आपको रिस्क ट्रांसफर प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिस्क रिड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर इसको ऑडिट करना, सबसे पहले आपके चेक कर लें कि हर एक रिस्क के लिए अलग अलग ओनरशिप है या नहीं है, ठीक है, अलग अलग तरीके के आईटी रिस्क आपने डिफाइन कर लिया या नहीं कर लिया। तीसरा आप चेक कर ले रिस्क टॉलरेंस प्रोफाइल, कहां तक आप रिस्क को बर्दाश्त कर सकते हो, अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या आपने रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन से लेके उसके मैनेजमेंट तक का, देन इसके बाद रिस्क मेजरमेंट टेक्निक, किस तरीके से आप मेजर कर रहे हो उसको, चलो मेजर करना ही सफिशिएंट नहीं, क्या उसका रूट कॉज भी निकालना पड़ेगा, यस, एंड रिस्क मिटिगेशन मेजर्स, एंड लास्ट पॉइंट आगे दैट इज रिस्क एक्शन प्लान एंड रीअसेसमेंट कवर अप करना पड़ेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉल्ड एज जीआरसी का ऑडिट करना, तो मैंने बताया सबसे पहले आप स्कोप देख लेते, स्कोप क्या था दोस्तों, चेक करना था गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस, देन इसके बाद हमने बोला इवेलुएट इंटरप्राइज इथिक्स, तो यहाँ पे आप फॉलो कर ले कि हर एक आदमी जीआरसी में जो काम कर रहा है वो अपने इथिक्स डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। गवर्नेंस का मतलब हो गया आपने ईडीएम प्रोसेस प्रॉपर तरीके से फॉलो किया नहीं किया, अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, अगर ईडीएम में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, सजेशन या इंप्रूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या बोलता है कि यहाँ पे जो रिस्क है वो मिनिमम लेवल पे होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या बोलता है, इफेक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी वर्किंग एज पर द स्टैंडर्ड होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन आप देते हैं यहाँ पे, इंटरप्रिटेशन क्या था दोस्तों यहाँ पे कि जजमेंट प्रोवाइड करना चाहिए आपको कि यस नो कि किस लेवल तक हमने रिस्क मैनेज किया, जैसे मैंने बताया था वायरस एट द रेट ऑफ 70% तक मैनेज है, अनऑथराइज एक्सेस 80% तक मैनेज है, 80% चांसेस है कि नहीं होगा, हमने जजमेंट प्रोवाइड कर दिया। देन आफ्टर एडिकेसी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, आफ्टर एडिकेसी ऑफ व्हाट रिस्क मैनेज, दैट इज एड्रेस एडिकेसी, तो ये जजमेंट प्रोवाइड करने के बाद स्टैंडर्ड के हिसाब से रिस्क मैनेज को रखने के बाद आप प्रोवाइड करें कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कितने लेवल तक कंप्लीट है,
ओके और कितना उसमें लूप होल्स है। देन इसके बाद रिस्क एक्सपोजर, जो रिस्क से लॉस हो रहा है, यस नो, इट शुड बी एट मिनिमम लेवल। अगर मिनिमम लेवल पे है तो मैं मान लूंगा आपको क्या मिल गया, क्री मिल गया, कंप्लायंस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एंड द लास्ट पॉइंट जो बोलता है, दैट इज इवैल्यूएट फ्रॉड एंड फ्रॉड रिस्क। तो जीआरसी में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर सके एंड फ्रॉड को क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये चैप्टर का जो यस नो पूरा का पूरा चैप्टर विद कंप्लीट क्विक रिवीजन हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सेशन पे अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, थैंक यू सो मच, थैंक यू।